हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज थर्ड लेकर आया हूँ। आप सभी से आशा है कि अगर आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करने हैं तथा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो सीरीज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द सी आई 18 से 28 लोअर लिमिट विल बी मिस। ये क्लास इंटरवल दे रखा है हमें 18 से 28 तक का, इनके बीच की सबसे छोटी लिमिट बतानी है। मिस लोअर लिमिट में निम्न सीमा बतानी है, तो ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18। अब ये देखेंगे कि 18 कैसे है। जब हम लोअर लिमिट निकालते हैं, ये होता है L1, ये उल्टा है L2, तो लोअर लिमिट इनमें से कौन सा छोटा है, 18, तो वो हमारी लोअर लिमिट होती है। अगर अपर लिमिट पूछता तो 28, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द सी आई 18 से 28 अपर लिमिट विल बी। मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है, तो आपको इसमें अपर लिमिट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 46। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28। अब ये देखेंगे कि 28 कैसे है। मैं आपको बता दिया था जब हम ये होता है L1 और ये होता है L2, L1 L2 होते हैं हमारे, तो L1 तो होती है हमारी निम्न सीमा, L2 होती है हमारी उच्च सीमा मिस अपर लिमिट। तो हमारा इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपर लिमिट 28। अगर ये ऊपर वाले में लोअर लिमिट पूछी थी वो है 18 में, छोटी लिमिट कौन सी है, L1 छोटी लिमिट, L2 अपर लिमिट। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द सी आई 18 से 28 मिड वैल्यू विल बी। जो सी आई है क्लास इंटरवल है 18 से 28 का, मिड वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 28, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 46। तो आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है तथा वीडियो को, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए तो आप वीडियो पोस्ट करके भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है और सही क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर को कमेंट करना है। देर कितनी भी हो जाए लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके, पूरे सॉल्यूशन निकाल के आपको क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है और वीडियो को अंत तक देखना है। अब हम इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23। अब 23
कैसे है? जो ये 18 है और ये 28 है, ये होता है L1। जब मिड वैल्यू निकालते हैं तो एक फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटे 2। तो L1 18, L2 28 बटे 2। 18 8 2 16, आंसर को 1 का 2 और 1 3 और 1 4, 46 को 2 से भाग कर देंगे, 23 दूनी 46। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी डिस्कस कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको जल्द से जल्द आंसर, जो आंसर है उसका आपको कमेंट करना है, जिससे आपकी एक्टिविटी का पता चलता रहे। अगला क्वेश्चन, इन द सीरीज 5 9 वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी। जो श्रेणी है, सीरीज है 5 9 वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी। जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है उसका हमें उस वहाँ की जो क्या वैल्यू आएगी वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 6। तो आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन मार्क? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। अब ये 7 कैसे है ये देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास ये हमारे जब सीरीज निकालते हैं तो उसमें पहले हमें ए और डी पता होना चाहिए। ए तो हमें पता है 5, लेकिन डी हमें नहीं पता। डी श्रेणी बतानी है ना हमें, तो डी जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हम आगे के कोई से पद का मान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम इसे जहाँ ये क्वेश्चन मार्क है इसे कैसे निकालेंगे? फर्स्ट जब श्रेणी बताते हैं तो एक ये पहला पद निकालने के लिए होता है ए बराबर 5, दूसरा पद बराबर ए 2 बराबर ए 2 ए 3 ए 4 तक निकालते हैं हम, ए 4 तक। तो ए प्लस 1 डी, ए प्लस 1 डी, ए 5 प्लस 1 डी, हमें दिया हुआ है तीसरा पद 9। अब ए 1 5, ए 2 हमें पता नहीं, ए 2 बराबर तो ए प्लस 1 डी होता है। अब ए प्लस ए 3 की जगह लिखते हैं हम ए प्लस 2 डी, ए हमारे पास है 5 प्लस 2 गुणा 2 डी है, हमें इसका मान नहीं पता, आगे है 9। तीसरे पद का जो मान है वो हमें दे रखा है, तो हम इससे डी की वैल्यू निकालेंगे और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखते हैं, 2D बराबर 9 माइनस ये 9 है, ये 5 प्लस का है, इंगर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा 4। और D बराबर 4/2, और 2 हमारी D आ जाएगी। अब जब हमारी डी आ जाएगी तो हम उससे श्रेणी कैसे निकालते हैं? अब ए हमारे पास है 5, अब हमें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये निकालना है हमें A2, तो ए प्लस 1 डी होता है दूसरे पर निकालने के लिए, 5 प्लस 1, और डी हमारा कितना है 2, यहाँ पे लिखा 2, 5 प्लस 2 एकम 2, 7 हमारी
क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द सीरीज 5 क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क वैल्यू ऑफ सेकंड विल बी, हमने ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने पहले जो ये है क्वेश्चन मार्क इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन हमें आखिर जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ये वाला है इसकी तो हमने वैल्यू निकाल चुके, इसकी हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। अब ये 11 कैसे है ये आपको देखना है। मैं आपको ए हमें बता दे रखा है 5, ये जो ऊपर क्वेश्चन था ना उसके दूसरा पार्ट है ये। डी हमने फाइंड आउट कर लिया था 2, हमारा ये वाले पद का मान ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था 7, 5, 7, 9। अब हमें निकालना है चौथा पद, ए 3 बराबर चौथा पद निकालना है, तो ए 4 बराबर ए प्लस 3D। ए हमारा 5, 3 × 2 हमारा D, तो ये है हमारा 5 प्लस 3 × 2 3 × 6 प्लस 5 11 हमारा आ गया। हमारा ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हमारा आएगा 11, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है और वीडियो को अंत तक देखना है, और यह वीडियो आपको आगे तक मदद करेंगी, भविष्य के में आपके काम आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करते हैं। ए बराबर 12, डी बराबर -3, ए है हमारा 12, डी है हमारा -3, ये माइनस का निशान है, कभी से आप और कुछ समझ रहे हो, ये माइनस का निशान है। तो हमें ए और डी दे रखे हैं, हमें 12th टर्म का मान निकालना है, मीन्स 12वें पद का मान हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए -32, ऑप्शन नंबर बी -21, ऑप्शन नंबर सी +21, ऑप्शन नंबर डी 32। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे कि है कैसे हल होएगा। तो हमें ए और डी दे रखे हैं, 12 टर्म का मान पूछा है, तो हम उसे निकालेंगे। हमारा जो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है मैं आपको ए बी सीरीज में पढ़ा चुका हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है तथा आगे तक आपको ये याद करना है और ये आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो हमें ये दे रखा है 12 × (+) ए एन वन एक्स होता है हमारा, जो सा टर्म हमें निकालना है 12 है, तो हमारा ए है 12 प्लस 12 टर्म का मान निकालना है 12 माइनस 1, ये हमारा एक्स है, एक्स हमारा होता है जो सा हमें टर्म का मान निकालना है, डी
डी हमारा होता है माइनस तीन, डी हमारा माइनस तीन है, तो 12 प्लस ये हमने करा, ये हो गया 11 गुणा माइनस तीन। आगे जब 11 के हम 3 में गुणा करेंगे हमारा आएगा माइनस के 33, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और ये है 12। अब इसमें से हम घटा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 21। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइनस के 21, क्योंकि माइनस के 21, ये माइनस का 21 है। कभी आप कुछ सोचें ये वैसा ही निशान लग गया है, ये माइनस का 21 है, माइनस का निशान है ये। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारा। 3, 8, 13, 18 डैश 78 ट्रम बिल भी, हमें 78 वे पद, जो 78वां पद होता है उसका में मान निकालना है। यह ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, इसे आप करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइनस के 38, माइनस के 388, ऑप्शन नंबर बी 256, ऑप्शन नंबर सी 388 प्लस के, ऑप्शन नंबर डी 562। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 388। अब ये देखेंगे 388 कैसे है। हमें ए दे रखा है 3, डी होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू हमारा है 8 माइनस 3 5, हमारी डी आ गई, ए हमें पता ही है 3, डी आ गई हमारी 5। फॉर्मूला लगाया हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का, ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी, ए हमारा 3 प्लस एन हमारा है 78 माइनस 1 गुणा 5, तो 3 77 ये 7 है, 7 गुणा 5, हम 77 की गुणा 5 में करेंगे 388, ये प्लस में है 3, तो हमारा 3 प्लस 385 है। इसमें जब हम 3 जोड़ेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर आ जाएगा प्लस के 388। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए हमारा 7, डी हमारा 6, ए बी एन वैल्यू दी हुई है 205, एन ट्रम बिल भी। ये जो x है, जो फॉर्मूले में होता है ना, a प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, तो इसे हमें n का मान निकालना है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, मैं आपको ए बी सीरीज में, मैं जो आपको मैंने ए बी सीरीज भेजी थी उसमें मैंने एक फॉर्मूले के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया था मैंने यह श्रेणी निकालने के काम आता है। उस किसी भी अननोन वैल्यू ए डी एन एक्स एन का मान निकालने में काम आता है, तो इसमें उसी फॉर्मूले का यूज़ होना है। हम उससे कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। अब हम देखते हैं कैसे निकलेगा। ये हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ए पी एन बराबर ए प्लस एन
माइनस वन इंटू डी। ये मैंने आपको बताया था किसी भी अननोन वैल्यू का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो इस फॉर्मूले APN हमारी वैल्यू है वो है 205। ये 205 हमारी वैल्यू है, बराबर A है हमारा 7, N हमारा, हमें N माइनस वन निकालना है। यहाँ पर ये है 205 बराबर 7 प्लस N माइनस वन है, इसका मान हमें जो निकालना है, D हमें दे रखा है 6। तो हमें अब ये आगे कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखना है। हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 7 है, इसे हम जो बराबर वाली संख्या है उसमें से इसे आगे ले जाकर हम इसे घटा देंगे। ऐसे 205 माइनस 7 कितना आ गया, 198 बराबर है x, अब क्या बचा, x माइनस वन गुणा 6। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये है बराबर से ये जो संख्या है वो है हमारी गुणा में, और जब जो गुणा की होती है भाग में हो जाती है, जो भाग की होती है वो गुणा में हो जाती है, और जो प्लस होता है वो माइनस, और जो माइनस होता है वो प्लस हो जाती है। तो हमें अब कैसे करना है ये भी देखते हैं, हमें ये अब कैसे करना है। अब ये जो है 205 इसे हम 6 से करेंगे हम भाग। जब हम इसे 6 से भाग करेंगे, 198 है, 198 को हम 6 से भाग करेंगे, ये गुणा का है ना, तो इसे इंगे ले जाएंगे, भाग करेगा, ये भाग करेगा तो हमारा आंसर आएगा 6 × 6 = 6 = 18, 3 बचा 1, 18 हो गया, फिर हो गया 6 × 6 = 18, हमारा 33 आ गया। बराबर में क्या बचा हमारा, ये है 33 बराबर में बचा n माइनस वन। अब n बराबर क्या हुआ, ये 33 है, ये माइनस का एक इंगे आगे प्लस का, और ये हमारा आंसर आ गया 34। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 34। ये थोड़े बड़े सवाल हैं, इन पर आपको थोड़ा फोकस करना है। ये है तो बहुत आसान, लेकिन ये करना, इनके आंसर 2 मिनट में गलत हो जाते हैं और 2 मिनट में सही हो जाते हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको यह समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। मैंने देखा है कि कोई भी नहीं कमेंट करता है वीडियो पर, सब वीडियो पर देख लेते हैं, ना ही कोई पूछता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अपनी आपको अपनी प्रॉब्लम भेजनी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम विल बी, जो आयतन होता है उसकी मानक इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर की क्यूब, मीटर नन। मीटर स्क्वायर मीन्स एम का मीटर का स्क्वायर, एम की क्यूब मीन्स मीटर की क्यूब, मीटर की घात 3, खाली मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, आयतन हम किस में निकालते हैं, वॉल्यूम, वो निकलता है हमारे ऑप्शन नंबर बी एम की क्यूब। जो आयतन होता है वो हमेशा घात 3 में निकलता है। आगे अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको फोकस करना है।
क्वेश्चन नंबर 10, 100 + 5 और 100 - 5 विल बी, यह क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है और इसे आपको समझना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10,000, ऑप्शन नंबर बी 10,025, ऑप्शन नंबर सी 9,975, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9,975। अब देखेंगे कि 9,975 कैसे है, ये एक प्लस एक माइनस, तो हम इसमें ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए हमारी 100, ए हमारी कितनी है 100, बी हमारी 5, तो 100 का स्क्वायर कर दो माइनस 5 का स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 5 का स्क्वायर 25, हमें 10,000 में से 25 घटा देना है, 9,975 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को समाप्त होता ही है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर कंसल्ट करें, WhatsApp नंबर है 9568876464। धन्यवाद।